की फैकल्टीज कैसी हैं यहाँ की फैकल्टी? असाइनमेंट और इन सब का कितना प्रेशर होता है? असाइनमेंट फर्स्ट ईयर में सब। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आपका फिर से एक नया वीडियो में, और इस वीडियो में हम आपको लेके आए हैं बेलगोनिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। चलते हैं और इस वीडियो में हम इस कॉलेज का टूर करते हैं और इसके इनसाइट्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पे फैकल्टीज कैसी हैं, कैसा यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइडेड होती हैं, चलते हैं और इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। लेट्स गो। सो ये रहा गलगोटिया कॉलेज का मेन एंट्रेंस गेट। यहाँ से एंटर करते हुए ये सामने एक एंट्री गेट है, यहाँ से आप सीधा जाएंगे तो कैंटीन साइड, और इस साइड हम चलते हैं और हमारा एडमिशन ब्लॉक भी इधर ही है, एडमिशन सेल। चलते हैं और देखते हैं कैसा है। वन थिंग फ्रेंड्स, इस कॉलेज की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। ये पास में आपको मेट्रो स्टेशन जस्ट कॉलेज गेट के बाहर ही है, नॉलेज पार्क 2। यहाँ से आप इजीली यहाँ पे जो बच्चे डेली अप डाउन करते हैं दिल्ली से, उनके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है। एंड वन थिंग फ्रेंड, आज साथ में आपके कॉलेज की एक सीनियर हैं राहुल भाई, ये हमें यहाँ की डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे आपको यहाँ पे कैसा है यहाँ का व्यू। सो जो भी बच्चे एडमिशन के आते हैं पहले इधर ही आना होता है? उधर से भी गेट है और इधर से भी मतलब जा सकते हैं। अच्छा, मतलब ऑफिस पास में इधर से ही पड़ेगा? हाँ, इधर से ही। ये रहा फ्रेंड्स, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, एडमिशन प्रोसेस के लिए हमें डी ब्लॉक में जाना है। और ये कॉलेज पूरा ब्लॉक वाइज डिवाइडेड है, और चल के एक एक हम जानते हैं कि कौन से ब्लॉक में क्या होता है, सो डैट आपको आइडिया लग सके और जब भी आप यहाँ पर आएँ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये फ्रेंड्स रहा डी ब्लॉक। चलते हैं, बच्चे आते हैं ना फर्स्ट ईयर वाले, सब इसी में शिफ्ट होते हैं। अच्छा, ये इस फर्स्ट ईयर को डेडिकेटेड है ये ब्लॉक, ये कुछ सीनियर के प्रोजेक्ट रखे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, ब्लॉक डी में एंटर करते ही लेफ्ट साइड में आपको एडमिशन सेल मिल जाएगा, वहाँ पे आप आके एडमिशन इंक्वायरी करते हैं। और अब हम चलते हैं ऊपर और यहाँ पे देखते हैं यहाँ की क्लासेस कैसी हैं और यहाँ पे बिल्डिंग का व्यू कैसा है। ये पूरा एक गैलरी टाइप का हुआ है और इस चारों तरफ से क्लासेस लगी हुई हैं इसमें, और फिर चलते हैं हम देखते हैं यहाँ के क्लासेस कैसे हैं, कैसा व्यू है। ओके, सो फ्रेंड्स, कॉलेज क्लासेस के बाद में मैं बात करूँ साथ साथ में यहाँ की फ़ीस, तो यहाँ की फ़ीस 115,603 रुपये है। और यहाँ की फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी भी बहुत सपोर्टिव है, सारे मैंने काफ़ी बच्चों से बात किया, उन्होंने बताया सच में बहुत सपोर्टिव है और एकेडमिक वाइज भी बहुत अच्छा कॉलेज है। अटेंडेंस का सीन बता दूँ मैं, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर में अटेंडेंस का सीन होता है थोड़ा, यहाँ पे 75% आपको मेंटेन करनी होती है, सेकेंड ईयर से ठीक हो जाता है। और कुछ इस तरीके से ये रही क्लासेस, टेबल चेयर लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छी हैं, बट एसी यहाँ पे भी नहीं है, सिर्फ फ़ैन है, तो गर्मी तो होती है, थोड़ी मैनेज करनी पड़ती है। इस टाइप से ही क्लासेस हैं और एसी तो नहीं है शायद क्लास में। ओके, सो ये रहा। और मैं फैकल्टी की बात कर रहा था तो फैकल्टी आपको हर वे में सपोर्ट करने के लिए तैयार है, वो टाइमली सिलेबस भी कंप्लीट कर देते हैं, उसके साथ साथ में असाइनमेंट में आपको कोई भी डाउट होता है आप उनको पर्सनली मिलके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो एकेडमिक वाइज और फैकल्टी वाइज कॉलेज में नो डाउट वेरी गुड, आप आँख बंद करके ले सकते हैं। फिर चलते हैं और बात करते हैं अदर फैक्टर्स के बारे में। तो फिर मैंने बताया कि 75% अटेंडेंस आपको फर्स्ट ईयर में मेंटेन करनी होती है, सेकेंड ईयर में ये ऑप्शनल होता है आपके लिए, यहाँ पे इतना ज़्यादा फोर्स नहीं किया जाता अदर कॉलेजेस की। सेकेंड ईयर में बहुत सारे बच्चे बहुत ही कम क्लासेस करते हैं, आप वहाँ पे सेल्फ स्टडी ही करते हैं। चलते हैं आपके सीनियर से ही बात करते हैं। आपके सीनियर से, सो पहले हाय बोल दो भाई सबको। हाय एवरीवन। सो यहाँ से जानते हैं भाई से कि यहाँ की फैकल्टीज कैसी हैं। यहाँ की फैकल्टी तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करेगी, और मतलब जैसे तुम आओगे कॉलेज तो तुम्हें मतलब कि ठीक ठाक मतलब कि एडवाइस दिया जाएगा, जो कॉलेज किस टाइप का है, नहीं है, सारी चीज़ें बताई जाएगी फैकल्टी के द्वारा। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे बाकी पढ़ाई वढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से होते हैं, क्लासेस चलते रेगुलर, बाकी सब कुछ अच्छे तरीके से। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, और असाइनमेंट और इन सब का कितना प्रेशर होता है? असाइनमेंट फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, जो कि मुझे भी बहुत हुआ है फर्स्ट ईयर में। उसके बाद सेकेंड ईयर में ये है कि तुम दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चे तभी भी देते हैं, मतलब कि कुछ परसेंटेज बच्चे नहीं भी देते हैं, अगर मार्क लेने होते तो दे दो, अगर मार्क चाहिए। यहाँ की सेकेंड क्लास है,
फ्रेंड्स, वाकई में यहाँ के क्लासेस तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ये फर्स्ट ईयर की क्लासेस हैं। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत क्लियर कर दूँ जो कि बहुत बच्चों के साथ स्कैम हो जाता है इस कॉलेज में, ये गलगोटिया कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ पे गलगोटिया कॉलेज और यूनिवर्सिटी दो हैं जिनके एडमिशन सेम प्लेस पे ही हो जाते हैं। सो जब भी आप एडमिशन ले रहे हैं, बी श्योर कि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं या कॉलेजेस में। क्या होता है, बहुत बच्चों से मैंने सुना कि उन्होंने कॉलेज बोल के मेरा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उन्होंने कन्फर्म नहीं किया और लास्ट में मुझे पता चला मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी में होगा। यूनिवर्सिटी में डिफरेंस क्या होता है, वहाँ पे ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, तो इनटेक वहाँ पे बहुत ज़्यादा, कम से कम 1200-1400 बच्चे एक क्लास में ये एडमिशन ले लेते हैं किसी ब्रांचेस। सो उनको प्लेसमेंट देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की क्लासेस चलती हैं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर की क्लासेस। बहुत ही अच्छा व्यू बना रखा है, पूरा ऐसा लग रहा है किसी जंगल में है। ये ब्लॉक डी है जहाँ पे इसी डिपार्टमेंट की और इलेक्ट्रिकल की क्लासेस चलती हैं। बहुत अच्छा सिटिंग एरिया बना रखा है, ये देखिए। सो फ्रेंड्स, अब हम ब्लॉक बी से बाहर आ चुके हैं और ब्लॉक बी के बगल में हमारे सी देखने को मिलता है। ये सामने आप ए देख रहे हैं, ये बगल में सी ब्लॉक है और इस ब्लॉक में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है। डी में जाने का रास्ता एडमिशन, अगर आप इस साइड से आते हैं, यहाँ से चलते हैं और दिखाते हैं। यहाँ पे स्टेशनरी आपकी यहीं पे देखने को मिल जाती है जो कि आपको प्रिंट आउट ये सब बहुत काम आने वाला है। ये सो फ्रेंड्स, सारे डिपार्टमेंट का ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर ही है। डिपार्टमेंट वाइज सारे ब्लॉक में क्लासेस चलती हैं, जैसा मैंने आपको क्लास डी ब्लॉक में देखा उसी तरीके से सी ब्लॉक में भी सारी क्लासेस हैं। ये सी ब्लॉक है, और सी ब्लॉक के जस्ट सामने ये आपको ए ब्लॉक देखने को मिलेगा, इसमें एमबीए और इन सब की क्लासेस चलती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कॉलेज में बीटेक के साथ साथ बी फार्मा, डी फार्मा, एमसीए, एमबीए और एमटेक की भी क्लासेस होती हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज के ब्लॉक में। चलते हैं यहाँ से। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आने के बाद ये काउंटर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप कॉलेज की फ़ीस पे करके यहाँ से अपने रिसिप्ट को रिसीव कर सकते हैं। फिर इसके आगे ये कैंटीन है। सो फिर फ्रेंड्स, चलते हैं यहाँ से और देखते हैं कैंटीन साइड कैसा है, कैंटीन का व्यू। और फिर यहाँ पे ये रहा कुछ कैंटीन का व्यू, कुछ इस तरीके से कैंटीन बना रखा है। इसमें ऑप्शन भी है शॉप्स के, आपको एक शॉप पे नहीं पसंद है सेकंड पे आप ट्राई कर सकते हैं, सिर्फ एक ही शॉप नहीं है, तो ये बेटर ऑप्शन लगा मुझे। फिर उसके बाद ये रहा कुछ व्यू, यहाँ पे इन्होंने इतने ज़्यादा ग्रीनरी बना रखी है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे। सो एक मिनट के लिए ऐसा भी लगता है कि कहीं जू में तो पहुँच नहीं गए। सो ओके, मैं बता दूँ कॉलेज में आपको हॉस्टल भी प्रोवाइड किया जाता है, गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल, जिसमें बॉयज़ हॉस्टल में 2-seater, 3-seater and 4-seater के ऑप्शन होते हैं। गर्ल्स हॉस्टल में आपको 3-seater के ही ऑप्शन मिलेंगे। 2-seater में भी आपको बॉयज़ की प्राइसिंग मैं अगर बता दूँ तो 1,26,000 पड़ती है 2-seater के लिए, और गर्ल्स हॉस्टल की पड़ती है 1,26,000 दोनों के लिए, ये नॉन एसी हैं। ओके, एंड वन थिंग, बॉयज़ हॉस्टल में आपको नॉन एसी ही मिलेगा, गर्ल्स हॉस्टल में एसी एंड नॉन एसी का दोनों का ऑप्शन है। ओके, सो ये सामने रहा प्लेग्राउंड जिसमें सफिशेंट स्पेस बना रखा है, और ये कुछ फाउंटेन्स हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, सो इसलिए थोड़ा सा मेसी दिख रहा है। ओके, सो प्लेग्राउंड की मैं बात करूँ तो प्लेग्राउंड में सफिशिएंट स्पेस बना रखा है जिसमें आप क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। आई होप हॉस्टल स्टूडेंट्स अच्छे से इंजॉय करते होंगे इसको। सो फिर इसके बाद ये रहा पूरा व्यू। फ्रंट गेट मैंने स्टार्टिंग में जो दिखाया था, आप यहाँ से चलेंगे तो कैंटीन साइड पहुँचेंगे, मैं उसी वे पे चल रहा हूँ। ये सामने आप सामने गेट देख सकते हैं, और फिर यहाँ से चलने पे कैंपस के अंदर ही एक एटीएम भी प्रोवाइड कर रखा है 24/7 ओपन, जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। फिर ये रहा कैंपस, कैंपस के राइट साइड में हम चलते हैं। सो फिर हमें लाइब्रेरी मिलती है कैंपस के राइट साइड में, यहाँ से चलने पे हमें। और एक चीज़ मैं बता दूँ फ्रेंड्स, मैंने सोचा था कि मैं वीडियो को और भी डिटेल में बनाऊँगा, बट हुआ यूँ कि जैसे हमने एंटर किया, सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि आप वीडियोज़ नहीं बना सकते, बट मैंने एक टीचर से बात किया, उन्होंने बोला ओके ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे तो आप वीडियो बना सकते हैं, मैं परमिशन तो नहीं दे सकता ऐसे, बट आप एक काम करिए कि सिक्योरिटी गार्ड से थोड़ा सा बच के
आप वीडियो जितना रिकॉर्ड कर सकते हो बना लीजिए। सो मैंने उनसे बच के जितना मुझसे हो सका मैंने ट्राई किया है बनाने के आपको यहाँ का व्यू बताने के लिए। सो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और भी ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे और मैं आपको हमेशा गाइड करता रहूँगा। ओके यहाँ के एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे AKTU काउंसलिंग से 85% सीट्स फुल होती हैं एंड 15% रिजर्व होती हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए। उसका भी एक प्रोसेस है डायरेक्ट एडमिशन का, अगर आपको वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं एडमिशन प्रोसेस की भी एक डिटेल वीडियो जल्द ही आपके लिए बना दूंगा। ओके ये रही सामने हमें लाइब्रेरी देखने को मिलती है, अंदर जाके आप अपना यहाँ पे इजीली बिना डिस्टर्बेंस के किसी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोडिंग करना हुआ है आपको, पढ़ाई करनी हुई। सो ये रहा कुछ लाइब्रेरी का व्यू, इनसाइड तो नहीं जा सकते जो वो भी रिस्ट्रिक्टेड रहता है। सो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ये कुछ मैं बाहर से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये अंदर बुक्स रखी हुई हैं एकेडमिक बुक्स जो कि आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाती हैं। फिर ये रहा कुछ इनसाइड का व्यू, लाइब्रेरी के अंदर कुछ ऐसा दिखता है। और एक एडवांटेजेस एक अच्छी चीज़ ये है कि आप लाइब्रेरी के अंदर भी यहाँ पे एक कैंटीन छोटा सा बना रखा है जहाँ पे आप पढ़ाई करते करते अगर आपको भूख लगती है तो आप कुछ खा भी सकते हैं। सो ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा आइडिया है। फिर ये यहाँ से चलते हैं लाइब्रेरी के बाहर, और ये रहा कुछ इस तरीके से आज कैंपस टूर। वीडियो में मैंने ट्राई किया मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की जितना हो पाया मुझसे। सो ये रहा पूरा कैंपस टूर, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताइए। अगर आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहिए वीडियो में मेरे से तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही, चलते हैं फिर मिलते हैं किसी नया वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।